दिल्ली के कोने कोने से आए हुए अपने युवा साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि तीन चार नारे मेरे साथ जोरदार हाथ हवा में खड़े करके लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजनाथ जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्माननीय और जुझारू अध्यक्ष बड़े भाई विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्यसभा में उपनेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी और मेरे साथी सांसद डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी जी, आदरणीय निर्मला सीतारमन जी, और इस सफल कार्यक्रम को करने वाले आपके जुझारू दिल्ली के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जोरदार तालियां गौरव कारी जी के लिए, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और सभा में उपस्थित मेरे नौजवान भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके जोश को देखकर यह लगता है कि दिल्ली का युवा देश के युवाओं को संदेश देगा कि 2013 में दिल्ली भी जीतेंगे और 2014 में देश को भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर देंगे। और यह संदेश जब दिल्ली से जाएगा तो देश के कोने का नौजवान खड़ा हो जाएगा और देश के कोने में कमल का फूल खिलेगा। मित्रों, मुझे याद है 9 जून को गोवा में इसी तरह से बारिश लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का वो आखिरी दिन था। 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, मिट्टी में पानी मिल रहा था और जब कीचड़ होता है तो उसमें क्या खिलता है? कमल का फूल खिलता, वो शुभ संकेत होता है। ईश्वर ने दिल्ली में भी संकेत दिया, गोवा में भी दिया और ये देश के लिए संकेत है कि आने वाले समय में देश में भी कमल खिलेगा और दिल्ली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रों हमारे बीच में आए हैं। विजय गोयल जी ने कहा, क्या दिल्ली का युवा संघर्ष करने के लिए तैयार है? आपने जवाब दिया था, है। मैं दूसरा पूछने वाला हूं, क्या आप दिल्ली में सरकार लाने के लिए तैयार हो? भाजपा को कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हो? देश में भी खिलाने के लिए तैयार हो? अध्यक्ष जी, युवाओं ने मन बना लिया है और किसी भी देश की राजनीति में अगर क्रांति कोई लाता है तो उस देश का युवा लाता है, और अगर भारत की देश में भी क्रांति आने वाले समय में कोई लाएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लेकर आएगा। यह आज बात सुनिश्चित हो चुकी है। मित्रों, 9 जून को एक अहम निर्णय पार्टी ने लिया, जहां देश में दिल्ली की सरकार और कांग्रेस निर्णय नहीं ले पाती, कांग्रेस निर्णय नहीं ले पाती, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया और गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन घोषित किया, नरेंद्र भाई मोदी को। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। मित्रों, आज देश में कुछ राजनीतिक दल सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। वो सुविधा होती है तो हाथ साम लेते हैं, सुविधा होती है तो हाथ छोड़ देते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं, मैं उनको केवल 2 शब्दों में कह देना चाहता हूं, हां हम सांप्रदायिक हैं। अगर आप कहते हो कि भारतीय झंडे की, भारतीय ध्वज की, तिरंगे की आवाज उठाना सांप्रदायिक है,
तो हम तिरंगे की आवाज उठाते, हम सांप्रदायिक है। अगर आप कहते हैं कि हम धारा 370 को समाप्त करने की बात कहते हैं, हम सांप्रदायिक हैं तो हम आवाज उठाएंगे। अगर हम कश्मीरियों के दर्द को, अगर हम कश्मीरियों के दर्द को आवाज देते हैं, अगर उसके लिए अगर आप हमें सांप्रदायिक कहते तो हम हैं। अगर हम भारत को, भारतीयता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसके लिए अगर आप हमें सांप्रदायिक कहते तो हम हैं। हम देश को एकजुट करने की बात कहते हैं। मैं अपने नौजवान युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मित्रों ये आपके लिए संदेश देने आया हूं मैं। आज के युवा को ना जाति धर्म ना किसी और बात में बांटा जा सकता है। आज का युवा एकजुट है और भारत को महान शक्ति बनाने के लिए आगे बढ़ेगा, इसलिए दिल्ली से संकल्प लेकर जाना होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना होगा। मैं याद करवाना चाहता हूं, वो पार्टियां जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहती हैं, दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल किया गया तो उन पार्टियों का उसमें हाथ था। अगर सबसे बड़ा दंगा कहीं पर देश में हुआ तो भागलपुर में हुआ। अगर असम में एक महीने से ज्यादा दंगा चला तो उसके लिए जो राजनीतिक दल जिसका कारण थे, आज अपने आप को धर्म निरपेक्ष वो कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर की ईंट रखने वाले निर्दोष राम भक्तों पर जो गोली चलाते थे वो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का। हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी भाजपा शासित राज्यों में हमने सुशासन दिया है, देश में भी हम अच्छा शासन देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भाई विजय गोयल जी ने कहा है कि हम दिल्ली में भी अच्छा शासन देंगे, भाई विजय गोयल जी को मैं कहना चाहता हूं, आज दिल्ली के युवा ने संकल्प कर लिया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल दिल्ली में खिलाएंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा समय नहीं लूंगा मित्रों, जो बिहार में घटा उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष जी, उस पर हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। लेकिन युवाओं की ओर से आपको केवल इतना कह देना चाहता हूं, आज देश का युवा आपके साथ और आपके निर्णय के साथ खड़ा है। आपके नेतृत्व में ये देश का नौजवान अपने आप को देश की गलियों पर निकालेगा, खून पसीना बहाएगा। आपके नेतृत्व में और मोदी जी के अध्यक्षता में जो उनको चुनाव प्रचार समिति का आपने बनाया है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आएगा तो देश का नौजवान इस दिल्ली में लेकर आएगा और देश में लेकर आएगा। आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं और देश का युवा वचनबद्ध होकर आपके साथ खड़ा है। जो निर्णय आपने लिया है उसका स्वागत करते हैं और आपकी अध्यक्षता में देश में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता का और आपके अध्यक्ष गौरव खारी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की।